आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक थर्माकोल का क्यूब आइस बॉक्स है, ठीक है, जिसका साइड दिया है 30 सेंटीमीटर और थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और उसमें 4 kg आइस है ऑलरेडी, और बोला है कि हमें 6 घंटे बाद पता करना है कि उसमें कितना आइस बचा है। कुछ कुछ आइस मतलब 6 घंटे में मेल्ट हो जाएगा, तो 6 घंटे बाद कितना बचा है आइस वो पता करना है। और इन लोग ने बाहर का टेम्परेचर दे दिया 45 डिग्री सेल्सियस, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी के की वैल्यू क्या दिया इन लोग ने, 0.01 जूल पर केजी। अब ठीक है, ये जूल पर केजी में इन्होंने वैल्यूज़ दिए, तो हम यहाँ जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू लिख लेंगे, जो आइस के लिए होती है जूल्स में होती है 336 × 10³ जूल पर केजी, ये होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, ये जूल पर केजी पर सेकेंड, ठीक, ये होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जूल्स पर केजी में। तो ऐसा कुछ दिखेगा ये फिगर आप देखेंगे तो, ठीक। अब हमें बोला गया है कि ये क्यूबॉइड है, ये एक साइड का बनाया हमने, ठीक है, ऐसी 6 साइड्स होंगे, ठीक है, और इसका लेंथ दिया गया है 30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस क्या बोला है 5 सेंटीमीटर, तो इतना जो पार्ट होगा ये है 5 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है सिंस ये क्यूबिक है तो 30 ये भी होगा, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे और जो हीट का ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र का जो डायरेक्शन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे। तो जो L की वैल्यू आती है वो हो, ये होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो A की वैल्यू लेते हम फॉर्मूला में वो होगी 30 × 30 cm², मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 फेसेस है, ठीक है, तो 6L² ये एरिया हो जाएगा, ये हम लोग को लेंथ मिला है, ठीक है, इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 30 × 30 × 10⁻⁴ m² और L की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर है तो 5 × 10⁻²m। ये दो वैल्यूज़ मिल गए हमें, और K की वैल्यू हमें दी गई है 0.01 जूल पर केजी, और हमसे पूछा है कि 6 घंटे बाद, 6 आवर्स है, 6 आवर्स इक्वल्स टू 6 × 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ये इतना सेकेंड्स हो गया, तो 6 × 36,000 सेकेंड्स हो गया। और बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें पता है कि जो dQ/dt होता है यानी हीट लॉस पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू के माइनस, बस हम इसलिए लेते ताकि हमें दिखाना है कि कूलिंग हो रही है, ठीक है, तो के ए जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, डेल्टा टी लिख लेते हम, डेल्टा टी बाय एल, ये होता है, ये हमें पता है। अभी इधर पर सेकेंड है और हमें 6 आवर्स में निकालना है, ये होगा फॉर 1 सेकेंड, ठीक। तो 6 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इस डी क्यू को तो इधर रहने दीजिए, बस डी टी की जगह पे हम 6 आवर्स वाला टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के ए डेल्टा टी इंटू 6 × 36,000 / L। तो बस अभी हमें वैल्यूज़ डालनी हैं, तो डी क्यू इक्वल्स टू के की वैल्यू है 0.01, ए की वैल्यू हमने निकाली है 6 × 30 × 30 × 10⁻⁴ इंटू डेल्टा टी है 45 - 0, ठीक है, 0 डिग्री पे आइस है, 45 डिग्री जो है बाहर का टेम्परेचर है, ठीक, डिवाइड बाय एल है 0.05, 5 सेंटीमीटर इज 0.05 मीटर। तो यहाँ से आप डेल्टा क्यू निकालेंगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी 104976 जूल्स, ठीक। अब ये इतनी एनर्जी इसको, इतनी हीट लॉस हो रही है इसकी, ठीक, इतनी हीट लॉस हो रही है, इतनी हीट लॉस हो रही है, तो ये हीट लॉस जो होगी ये जो है आइस को मेल्ट करने में यूज़ होगी,
तो उससे लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, देखेंगे इतनी जितनी हीट मिलेगी उसमें से कितना मास ऑफ आइस मेल्ट हो सकता है, एम इंटू एल, तो कितना मास मेल्ट हो सकता है ये निकालने के लिए हम इक्वल्स टू क्यू बाय एल कर लेंगे। तो क्यू की वैल्यू तो अपने को इधर ही मिली है, ये 104976 डिवाइड बाय एल की वैल्यू पता है हमको 336 × 10³। तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.313 kg, यानी जितनी 6 घंटे में हीट लॉस हुई है उसकी वजह से 0.313 ग्राम 0.313 kg ऑफ आइस मेल्ट होगा। तो इन लोग ने क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि कितना आइस बचा रहेगा, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग। तो अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग निकालने के लिए हम टोटल अमाउंट माइनस जितना मेल्ट हुआ, तो फिर अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग ये हो जाएगा 4 kg माइनस 0.313 kg, दैट इज 3.687 kg। तो इतना आइस जो है 6 घंटे बाद भी बचा रहेगा।